YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। आज हम भारत भूमि पर अवतरित हुई दिव्य शक्तियों एवं महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अर्धज्ञानी अभिमानी कथावाचकों एवं ढोंगी संतों के अलावा जल्दी नेता बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को सख्त लहजे में बताना चाहते हैं कि जहां आज देश एक विषम परिस्थिति, जिसमें एक तरफ कोरोना महामारी का संकट, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश हमारी सीमाओं पर हर तरह से हमला करने की फिराक में है, ऐसी स्थिति में आप लोग जिनको देश और देश की संकट में पड़ी इस जनता का साथ देना चाहिए, आप दिव्य शक्तियों एवं महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी कर जनता को गुमराह कर उनका इस समय जहां अपने अपने परिवार और अपने समाज को बचाने के लिए कार्य करना है उनका ध्यान भटका रहे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि हमारे देश का कानून कमजोर है। हमारे देश का कानून कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो हमारे देश के कानून की रक्षा करने वाले और अपराधियों को कानून के शिकंजे में फंसाने वाले लोग भ्रष्टाचारी रवैये के कारण से कमजोर किए हुए हैं, जिसके लिए हमने इस तरह की अभद्र टिप्पणियों को एक समाज की गंभीर बुराई मानते हुए ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन विजय ने अपनी खुद की टीम, जिसमें एक कुशल अधिवक्ता जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठकर ऐसे लोगों को कानूनी दायरे में लाकर जहां इनकी असली जगह है सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन विजय जो देश और समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए कार्य कर रहा है, उसके सिद्धांतों के तहत हम एक बार ऐसे लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें। ऑपरेशन विजय के कुशल अधिवक्ताओं के टीम आपके जो पीछे कारनामे छुपे हुए हैं ना, काले कारनामे, उनको बाहर लाकर आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे, जिसके एक नहीं देश के अंदर कई उदाहरण हैं जिनको देश के इस कानून ने शिकंजे में लिया, आज वो एक सांस खुले वातावरण में लेने के लिए तरस रहे, जिसमें अपने आप को भगवान कहने वाले आशाराम जी, राम रहीम जी, रामपाल जी सहित तमाम ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझते थे। इसलिए मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश की जनता को गुमराह ना करें। देश के अंदर अवतरित हुई दिव्य शक्तियों एवं महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी कर बाद में माफी मांगकर आम जनता का समय बर्बाद ना करें। इस समय देश और देश की जनता बहुत ही ज्यादा संकट में है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोग ऑपरेशन विजय द्वारा इस जारी कहे गए सख्त लहजे वाली चेतावनी के ऊपर अमल करते हुए अपने रवैये में परिवर्तन लाएंगे।